नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। मुंगेर घटना से रिलेटेड इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आपको हमने बताया कि उस घटना में जो आरोप लग रहे थे वहां के जो एसपी थी लिपि सिंह और डीएम, स्थानीय जो डीएम थे वहां के, उन पर आरोप लग रहा था कि उनकी मौजूदगी में तमाम जो घटनाएँ, उनके इशारे पर जो गोलियाँ चली, पुलिस प्रशासन ने वहाँ जो लोग विसर्जन में जा रहे थे, मूर्ति विसर्जन में जा रहे थे, उन पर लाठियाँ बरसाई गई और साथ साथ एक लोग जो उनकी एक युवक की मौत हो गई थी, साथ कई लोग घायल हो गए थे। अभी जो खबरें आ रही है उसमें कई ऐसे लोग हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जो है वो जूझ रहे हैं हॉस्पिटल में। लेकिन उसके बाद जो है चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया था सुबह सुबह कि उसमें दो लोगों को, दो अधिकारी जो थे वहाँ के जो डीएम थे और लिपि सिंह जो एसपी थी, उनको हटाने का निर्देश दिया गया था। उसके बाद जो है डीआईजी मन्नू महाराज ने तमाम जो वहाँ के प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए मैदान में कूद चुके थे, वो कमान जो है मन्नू महाराज अपने हाथ में ले लिए थे। इसके बाद जो अभी खबरें आ रही है कि आईपीएस मानवजीत सिंह ढिल्लो मुंगेर के नए एसपी बनाया गया और आईएएस रचना पाटिल को डीएम बनाया गया। जो दो पद, जो बड़े दो अधिकारियों का जो हटाया गया था चुनाव आयोग के निर्देश पे, दो एसपी और डीएम दोनों को वहाँ से हटाया गया था, उनके जगह पे दो नए अधिकारियों को वहाँ पे भेजा गया है। एक का नाम है आईपीएस, जो आईपीएस हैं वो मानवजीत सिंह ढिल्लो हैं, तो दूसरे इस जो इनको एसटी बनाया गया है रसना पाटिल, दो बड़े अधिकारियों को एक जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि एक सारी खबरें जो है पुलिस मुख्यालय से आ रही है जहाँ पे अभी अभी ये दोनों अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जो माहौल है वहाँ का उसको लेकर अभी डीआईजी मन्नू महाराज कमान जो है वो पूरी तरह से अपने हाथ में ले चुके हैं। आज सुबह सुबह ही जो मुंगेर की जो लोग थे वो आगजगी पर उतर आए थे, जो आक्रोशित लोग थे वो उन्होंने थाने तक को जला दिया। कई थाने उस जुलूस के चपेट में आ गए। लगातार लिपि सिंह के विरुद्ध नारे लग रहे थे, लिपि सिंह को हटाने को लेकर नारे लग रहे थे। उसके बाद चुनाव आयोग ने एक बड़ा डिसीजन लिया, वहाँ के डीएम और एसपी दोनों को वहाँ से हटाने का निर्देश दिया। अभी जो जिला मुख्यालय से जो खबरें आ रही है उसके अनुसार दो लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एक का नाम है जो मानवजीत सिंह ढिल्लो, जिनको मुंगेर का एसपी बनाया गया था, माफ कीजिएगा बनाया गया है, और दूसरा रसना पाटिल, जो उनको एक डीएम जिलाधिकारी के पद पे उनको वहां भेजा गया है। दोनों लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।